हेलो प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। अगर आप सी टेट एम पी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके बताएं आपका स्कोर कितना रहा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्क्रीन पर आज का, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं मनुष्य के शरीर की चालक शक्ति क्या कहलाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, नोट कर ले। मनुष्य के शरीर की चालक शक्ति कहलाती अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, सामुदायिकता है अर्जित सामाजिक अभिप्रेरक, अर्जित व्यक्तिगत अभिप्रेरक, जन्म जात अभिप्रेरक, इनमें से कोई नहीं। आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, अर्जित सामाजिक अभिप्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आज का, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक व्यक्ति अफीम का सेवन करता है, इस क्रिया में अभिप्रेरक कैसा है। आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करें। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। सोशियल यानी सामाजिक, पर्सनल यानी व्यक्तिगत, अर्ड माने अर्जित किया गया अभिप्रेरक। आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर फोर, अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग अभिप्रेरणा है, यह कथन किसने दिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फोर का बच्चे यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, स्किनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर फाइव, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, शरीर में किसी भी वस्तु की कमी अथवा अधिकता से उत्पन्न होने वाली स्थिति का क्या नाम है। जल्दी से कमेंट करें सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव का बच्चे यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। भूख व प्यास अभिप्रेरणा के संदर्भ में, ठीक है, आपको बताना है क्या करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है स्क्रीन पर, ठीक है, भूख एवं प्यास अभिप्रेरणा के संबंध में क्या है, चालक हैं, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर सिक्स का सी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर सेवन, अगर आप आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर करेंगे सही आंसर क्या होगा। चारू एक IAS अफसर बनना चाहती है, इस क्रिया में अभिप्रेरक कौन सा होगा, अर्जित सामाजिक, जैविक या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर सेवन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, सेवन का करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन होगा, अर्जित अभिप्रेरक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर एट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। मनोवैज्ञानिक क्रेच बा क्रेच फील्ड के अनुसार अभिप्रेरणा उत्तर देती है, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर एट का बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्यों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर नाइन, अधिगम का हृदय बा स्वर्ण पथ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन का बच्चे यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, अभिप्रेरणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर टेन, युत्सा क्या है, उद्दीपक है, समस्या है, अभिप्रेरक है या इच्छा है। आंसर जानते तो कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर टेन का बच्चे यहां पर करेक्ट आंसर होगा सी होगा, युत्सा क्या है, अभिप्रेरक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11, एक पशु अपने बच्चों को मारकर खा जाता है, इस क्रिया में अभिप्रेरक कौन सा होगा। आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 का यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन सही होगा, जन्म जात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12, अचेतन प्रेरणा मदव्यसन है, अर्जित सामाजिक, अर्जित व्यक्तिगत, सामूहिक अभिप्रेरक, इनमें से कोई नहीं। आंसर जानते कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 12 का बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा, नोट कर ले, अर्जित व्यक्तिगत अभिप्रेरक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13, जो बालक जीवन में अत्यधिक सफलता की इच्छा रखते हैं उनमें से कौन सी अभिप्रेरणा पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 13 का बच्चे यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, नोट कर लें, उपलब्धि अभिप्रेरणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14, सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत है, आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 13 का बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत कौन सा था,
था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का बी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आंसर जानते जल्दी से कमेंट करें। एक व्यक्ति एकांत में विश्वास रखता है उसे कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ग 3 के एग्जाम में किसी ना किसी सेट में जरूर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 का बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अंतर्मुखी। नोट कर लें, एक व्यक्ति एकांत में विश्वास रखता है तो उसे कहा जाता है अंतर्मुखी बालक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16, भाई प्रेरणा को प्रदान करने वाले तत्व हैं, आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 का बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी यानी प्रेरणा निंदा पुरस्कार। ठीक है, भाई प्रेरणा को प्रदान करने वाले तत्व प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने का सर्वोत्तम उपाय है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का बच्चे यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका सी होगा, नोट कर ले, नवाचारों का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे बच्चों सही आंसर क्या होगा। ठीक है, राहुल अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए कार्य करता है, साथ ही उसे कार्य द्वारा आय भी प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग वह जीवन निर्वाह में करता है, उपयुक्त परिस्थिति में अभिप्रेरक कौन सा होगा, आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 का बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, बाह्य अभिप्रेरक और आंतरिक अभिप्रेरक दोनों होंगे, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19, आंतरिक उत्तेजना का अर्थ मनोविज्ञान में लिया गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का बच्चे यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, प्रेरणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आ सकता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदेहिक गुणों का गतिशील संगठन है जो उसका वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन स्थापित करता है, यह परिभाषा किसने दी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 का बच्चे यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका बी होगा, नोट कर ले, आल पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 21 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट करेंगे। किसी अरुचिकर कार्य को संपन्न कराने हेतु शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को किस प्रकार अभिप्रेरित करना चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 का बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा, नोट कर लें, छात्रों को समय समय पर सफलता व प्रगति का ज्ञान देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर 20 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आने के चांस बनते हैं। भूख चालक तथा भोजन आपका क्या है, उद्दीपन है, स्थायी भाव है, संचारी भाव या संवेग है। 22 का बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करें, 22 का यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, उद्दीपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 23 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएं। एक व्यक्ति जब प्रथम बार अफीम खाता है तो उसे प्रसन्नता का अनुभव होता है, परंतु जब वह अफीम खाने का अभ्यस्त हो जाता है उसकी प्रसन्नता या सुख बहुत कम हो जाता है। इस प्रक्रिया में सिद्धांत को रखा जा सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बता दें। 23 का बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन सही होगा, नोट कर ले, विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे बच्चों सही आंसर क्या होगा। ठीक है, एक व्यक्ति गोल्ड मेडल को प्राप्त करने के उद्देश्य से अध्ययन करके परीक्षा पास करता है, इस कार्य में निहित अभिप्रेरणा क्या होगी। 24 का बच्चे यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका बी होगा, नकारात्मक। दोस्तों जितने भी आंसर आप जानते हैं कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें पता चले आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, अभिप्रेरणा के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है, जल्दी से कमेंट करें 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 25 का बच्चे यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी होगा, नोट कर ले, अभिप्रेरित क्रियाएं लक्ष्य की ओर अनिर्देशित करती हैं, बिल्कुल बी आंसर करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 26 है स्क्रीन पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर जानते जल्दी से कमेंट करें। 26 का बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, प्राणी की वह जैविक अवस्था जो किसी कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। 26 का बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा आवश्यकता, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 27 है स्क्रीन पर, सम स्थित ठीक है होमोस्टेसिस से तात्पर्य किया है, आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 27 का बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, नोट कर लें, शरीर के भीतर एक संतुलित शारीरिक अवस्था ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है स्क्रीन पर, गैरेट के अनुसार अभिप्रेरकों का वर्गीकरण कौन सा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर जानते जल्दी से कमेंट करें। 28 का बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन सही होगा, नोट कर लें, जैविक मनोवैज्ञानिक सामाजिक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 29 अधिगम की कुंजी किसके हाथ में रहती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा। 29 का बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, नोट कर ले, अधिगम की कुंजी आपकी अभिप्रेरणा के हाथ में रहती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर जानते जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 तो क्वेश्चन है आपके सामने, मोटिवेशन लेटिन की किस धातु से बना हुआ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें बच्चों सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, मोटिवेशन शब्द है ना लेटिन भाषा के मोटम धातु से बना हुआ है। थैंक यू।